हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल माई सेल्फी मंजीत यादव। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आज का टॉपिक होगा। प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना। ठीक है, मीन्स MR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो आपको कौन कौन सी वैल्यू दी जाएगी और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं निकालने के, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली बात, जो वैल्यू गिवन है, क्या क्या वैल्यू गिवन है उसको देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा गिवन वैल्यू होगा, क्या होगा, साइज ऑफ बीम, यानी बी और डी का वैल्यू दिया रहेगा, बी का वैल्यू दिया रहेगा और डी का वैल्यू दिया रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दिया रहेगा और एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा, यानी कि बीम का एरिया, स्टील का एरिया और दोनों स्ट्रेस सिग्मा ST एंड सिग्मा C भी दिया रहेगा, मॉडुलर रेशियो भी दिया रहेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको पता रहेगा और तभी आपसे पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आप निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। पहली स्टेप है हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CNA, क्रांतिक बल शून्य रेखा, क्रांतिक बल शून्य रेखा। ठीक है, क्रांतिक बल शून्य रेखा, इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू m सिग्मा CBD अपान में m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। इस फॉर्मूले से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे स्टेप नंबर सेकेंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ANA या हिंदी में बोलते हैं वास्तविक बल शून्य रेखा। इसका फॉर्मूला है BX स्क्वायर अपान में 2 इज इक्वल टू MAST D-X। ठीक है, अब देखिए, मैंने इसे भी x से डिनोट किया और इसे भी x से। ठीक है, तो हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि यहां से जो x की वैल्यू निकलेगा वो हमारा XC है और यहां से जो x निकलेगा वो XA है। सी से क्रिटिकल, ए से एक्चुअल। अगर आप चाहो तो यहाँ XC लिख दीजिए और इन दोनों स्थानों पर XA लिख दीजिए। आप चाहो तो इसको XC लिख दीजिए और इन दोनों को क्या लिख दीजिए, XA लिख दीजिए। फिर फॉर्मूले में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी हमें हर जगह XA लिखना पड़ेगा। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस XA का वैल्यू नहीं दिया रहता, उस केस में XC लेके चलते हैं, लेकिन फॉर्मूले में आपको XA वहां पर याद रहेगा, तो कन्फ्यूजन होगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि XC मत लिखो, X यहाँ भी लिखो, बस अपने माइंड में रखो इस बात को कि ये XC है क्रिटिकल वाला और ये XA है एक्चुअल वाला। ठीक है, और आगे जहाँ भी कहीं X की बात की जाएगी तो वहाँ हमेशा
हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला रख वो वैल्यू रखते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कहीं भी एक्स का वैल्यू यूज करना है तो हमेशा यही एक्स का वैल्यू रखते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे, स्टेप नंबर 3, दोनों में कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑफ एक्स सी एंड एक्स ए, दोनों क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। यदि एक्स ए का मान एक्स सी से ज्यादा हो जाता है, यदि एक्स ए का मान एक्स सी से क्या होता है ज्यादा हो जाता है, इफ एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, तब क्या होगा, इस प्रकार के सेक्शन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के सेक्शन को क्या बोलेंगे। देखिए एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं, लेस टी मोर कॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब एक्स ए का वैल्यू लेस, लेस माने कम है, तो टी, टी का मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, टेंसाइल एरिया में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब एक्स ए मोर माने ज्यादा, तब सी, सी से क्या होता है कंप्रेसिव एरिया, यानी कंप्रेसिव एरिया में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स ए क्या है, क्या है ज्यादा, तो ज्यादा है तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि मान लीजिए एक्स ए इज लेस देन एक्स सी आ गया, तो लेस माने क्या होता है, एक्स ए जब लेस है तो टी, टी से क्या होता है टेंसाइल एरिया, तो टेंसाइल एरिया वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं दोनों चीज को, क्यों ऐसा होता है। देखिए एक्स ए का वैल्यू अगर ज्यादा होता है, एक्स ए का वैल्यू अगर क्या होता है ज्यादा, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कंप्रेसिव एरिया में, इसलिए ये यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कंप्रेसिव एरिया में जल्दी फेल होगा, तो जिस एरिया में बीम जल्दी फेल होता है उसी एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पर क्या है कि कंप्रेसिव एरिया में आपका जो है बीम फेल होने वाला है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस अपना जितना उसके अंदर स्ट्रेस है वो जल्दी से पूरा प्राप्त कर लेगा, टेंसाइल एरिया वाला भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है और कंप्रेसिव एरिया का स्ट्रेस जल्दी से समाप्त हो गया, तो कंप्रेसिव एरिया में ही आपका बीम फेल होने वाला है। तो जिस एरिया में पहले फेल होता है वही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि भाई मान लीजिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, टेंसाइल एरिया में 10 किलो न्यूटन मीटर आ गया और जो है कंप्रेशन एरिया में 20 आ गया, 20 किलो न्यूटन मीटर, तो किसमें फेल होगा, जिसमें कम होगा, तो 10 वाला पहले फेल, तो टेंसाइल एरिया में पहले फेल हो जाएगा। तो पूरे बीम की मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो सबसे कम रहेगा उसी को लेकर चलेंगे, 10 किलो न्यूटन मीटर, तो जिसमें पहले फेल होता है वही पूरे बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका एक्स ए इज एक्स सी है, एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी है, अगर एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, यदि एक्स ए का मान एक्स सी से ज़्यादा हो गया, एक्स ए का मान एक्स सी से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप जो है कंप्रेशन एरिया वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि कंप्रेसिव एरिया में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जल्दी फेल हो रहा है, तो जिस एरिया में फेल होता है उसी का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स्ड बीम। ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब क्या है कि इसमें स्टील की मात्रा काफी है, ठीक है, कम नहीं है, ओवर माने क्या होता है ज्यादा, तो किस एरिया में फेल होगा, कंक्रीट के एरिया में फेल होगा,
तो कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अति प्रबलित धरन। ध्यान देना, आपसे कोई पूछ सकता है कि जब एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी का मतलब क्या है, कि बीम कैसा है, ओवर रेनफोर्स्ड बीम है यानी अति प्रबलित धरन है, स्टील की मात्रा खूब डाली गई है इसमें, स्टील के वजह से बीम फेल होने वाला नहीं है यानी टेंसाइल एरिया में फेल होने वाला नहीं है, तो किस में फेल होगा, कंप्रेसिव एरिया में फेल होगा, तो कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, जब एक्स ए इज लेस देन एक्स सी है, इसका मतलब क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड बीम यानी कि अल्प प्रबलित धरन, अल्प प्रबलित धरन, अल्प का मतलब होता है कम, यानी स्टील की मात्रा कम प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, यानी कह सकते हैं एक मतलब यहाँ पर स्टील का स्ट्रेस जो है कम है, तो स्टील के एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों बराबर है, अगर मान लीजिए दोनों क्या है, बराबर है, तीसरा कंडीशन, If एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, तो इस प्रकार के बीम को बोलते हैं बैलेंस्ड बीम, बैलेंस्ड बीम, संतुलित धरन, तब आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, चाहे कंप्रेसिव एरिया का यूज करो चाहे टेंसाइल एरिया का, दोनों ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, या सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, कोई भी फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे स्टेप, तीन स्टेप में है आपका। सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, एक्स सी निकालेंगे, फिर एक्स ए निकालेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे, यदि एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, यदि एक्स ए इज लेस देन एक्स सी तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि दोनों बराबर आता है तो तब आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेस टी मोर कॉफ़ी का मतलब क्या होता है, चाय कम कॉफ़ी ज़्यादा, ये थोड़ा सा ट्रिक था, आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा और इस पे आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा फाइंड डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ पर कुछ वैल्यू वगैरह दे देंगे और यही स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में